स्वागत करते हैं आपके चैनल ETC वर्ल्ड में। आपको बताने वाले हैं कि बिहार कोरोना सहायता का जो ऐप है वो बहुत लोगों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग का OTP आ रहा है तो उसमें रॉन्ग बता दे रहा है, कुछ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी लोकेशन नहीं ला रहा है। तो भाई वो फाइनली जो है उसका नया जो एप्लीकेशन है अपडेट कर जो एप्लीकेशन था उसको अपडेट कर दिया गया है, और ये अपडेट किया गया है 21 को, यानी कि आज ही किया गया अपडेट। चलिए आपको बताते हैं क्या अपडेट किया गया और आपको कैसे करना है। अगर आप नहीं कर पाए अभी तक, आप रह गए हैं कि आपका नहीं हो पाया आवेदन, तो बहुत ईजी हो गया। और क्या क्या कैसे अपडेट किया गया मैं आपको डाउनलोड करके कैसे क्या स्टेप है मैं वो फिर से बता देना बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले अगर आपने चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी जो जानकारी अक्सर लेकर आया करता हूँ अपने चैनल पर। अभी बिल्कुल बना हुआ हूँ कंटिन्यू कोरोना सहायता को लेकर, मैं बिल्कुल बैक टू बैक वीडियो ला रहा हूँ और आप लोग का प्यार ही मिला। दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, देखते रहिए, आपको हेल्प मिलेगा। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए लेकर चलते हैं आपको और बताते हैं साइट पर ले जाके कि आपको क्या आखिर क्या है और क्या एप्लीकेशन और उसमें क्या बदलाव किया गया है और आप कैसे क्या काम होगा। चलिए दोस्तों चलते बिना कोई देरी के अपने मोबाइल ब्राउजर पर ही और कैसे क्या करना है, चलिए आते हैं मोबाइल ब्राउजर पर। तो आ चुके हैं साइट पे जहाँ पे कि आपदा बिहार आपदा प्रबंधक बिहार लिखा हुआ है, जैसा कि ये सब पर आप कुछ सूचना दिया हुआ है। तो इसको भी कुछ पढ़ते उड़ते नहीं है, नीचे जाते देखिए यहाँ पे दो लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, जो कि वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे, वर्जन जो है वर्जन भी दिया है 2.03, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए आपको दोनों में से किसी एक को है डाउनलोड कर लेना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रश को ऑन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ है और एक नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, एक ये है ये। आपको क्या करना है, नीचे वाला डाउनलोड करना है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं कहते हैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। आगे मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद इसको अभी मेरा डाउनलोड हो गया है, हो रहा है डाउनलोड, 14.1 MB का है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना, जैसे देख सकते हैं डिटेल यहाँ पर मेरा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए डाउनलोड हम कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपकी प्रक्रिया बताते हैं क्या कैसे है, बहुत ही ईजी है बता देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल मांग रहा है तो मैं इसे इंस्टॉल भी कर लेता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करके फिर इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो इस तरह से इंस्टॉल हो गया है। चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, अब ओपन कर लेता हूँ अपने इसे मोबाइल में, चलिए बिना कोई देरी के। चलिए इसको अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने का ओके कर देते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पे आ गया प्रिय मुख्यमंत्री, बिहार देखिए वासियों, यहाँ मुख्यमंत्री जो है बोलना शुरू कर कोरोना दिया है, वायरस के संक्रमण के कारण देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री का जो है कुछ बोला हुआ प्रिय बिहार वासियों ये बोला जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कोरोना यहाँ पे बोल ये दिया हुआ है मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का कुमार का संदेश। यहाँ पे दिया कि पंजीकरण पंजीकरण या सुधार करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। इस पर देखिए यहाँ पे आवश्यक सूचना दे दिया गया जो कि ये पहले सब नहीं आ रहा था। अब देखिए कुछ जो है यहाँ पे क्या आवश्यक सूचना है उसको सब पढ़ देता हूँ आपको, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया आवश्यक सूचना, मैं बिहार का निवासी हूँ की निवासी हूँ, ठीक है, मेरा बैंक खाता बिहार में। आपको एक बात मैं कंफर्म कर दूँ कि आपका बैंक जो है वो होना चाहिए आपका बिहार का ही बैंक अकाउंट। फिर दिया उत्तर ग्रामीण बैंक या IFSC कोड उसका ये डालें, सर देख लीजिए। और अगर आपका दक्षिण बिहारी ग्राम है तो सर ये डालें, ये चीज़ इसमें दे दिया गया है। और वैसे लोग जो पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं वो पुनः प्रयास करें, सर देख सकते हैं। इस पर आपको करना ओके कर लेना, ओके करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देखिए दो चीज़ दिया गया ऑप्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेशन पे पंजीकरण के इस बटन को दबाया या फिर दिया हुआ है, आधार कार्ड फोटो और संख्या में सुधार करने अपडेट, ये चीज़ जो लिखा हुआ है जो भी इसको देख लीजिए। और इसका जो वर्जन नया है ये आया हुआ है वर्जन 2.0। लेकिन चेक मैं कंफर्म कर दूं कि आप जब समय सेल्फी दीजिएगा और आधार कार्ड वो बिल्कुल क्लियर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का रिजेक्ट हो रहा है और बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। चलो दोस्तों आपको जो भी करना है इसको कर लीजिएगा, नया अपडेट आ चुका है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप ट्राई कीजिए। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए दोस्तों बाय, आई लव यू, बताइएगा जरूर कि ये नया अपडेट में आपको कैसा क्या लगा और क्या आपका फॉर्म फिल हो पा रहा नहीं है। ये देखिए फोटो सैंपल सब दिया हुआ है, किसी तरह दिक्कत होता है मुझे आप कमेंट करके बताइए। चलो दोस्तों बाय।